रूप से ही, लेकिन देश की जनता के सामने एक सबसे गंभीर समस्या जो है वो महंगाई और बेरोजगारी की समस्या है। और उस समस्या से अब देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं, जो जन आशीर्वाद की बातें यहाँ हो रही हैं कि जनता का आशीर्वाद इस देश के जो हुक्मरान हैं, जो बनना चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं, उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और जब वो वोट देने जाएंगे, जनता जब जाएगी, तो उनके सामने गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। और आज की तारीख में थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे कि क्या ये एक साइलेंट लेकिन बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है पॉलिटिकल इवेंट के सामने? क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जहां जब लोग कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले भी अब जहाज में सफर कर पाएंगे, लेकिन उनके पेट में दाना है कि नहीं है, अन्न है कि नहीं है, जेब में पैसे हैं कि नहीं है, यह भी तो देखना होगा। जयशंकर जी, राजीव जी, कहीं कुछ टेलीपैथी भी होती है ऐसा लगता है, क्योंकि जो बात अनुराग बोल रहे थे वही मेरे मन में भी आ रहा था कि जो जिस तरह से ये सर्वे आया है इंडिया टुडे का, वो संदिग्ध लगता है, क्योंकि ग्राफ तो बहुत तेजी से गिरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्राफ जो है झटके में नहीं गिरा है, ये जलवा लगातार ढलान पर है। आप देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि ये अगस्त 2020 में 66% था और जनवरी आते आते 2021 का 38% हो गया, और फिर अगस्त 2021 में 24%, यानी 66 से घट के 38%, फिर 38% से घट के 24% हुआ है। ये बेसिक बात को समझने वाली बात है। अब दूसरा यह है कि जिस समय भी, चलो संदिग्ध है कि नहीं है उस पर हम नहीं कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो दावा किया है, ये 115 संसदीय क्षेत्रों में गए हैं और 230 विधानसभा क्षेत्रों में 19 प्रदेशों के, तो अब इसमें से कितना देश, तो फिर 543 संसदीय क्षेत्रों का देश है, कितने विधानसभाएं हैं और कितने राज्य हैं, तो बहुत सारे राज्यों को तो इन्होंने खारिज ही कर दिया, तो उन राज्यों में क्या है ये पता नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे राज्यों का ही चुनाव हुआ हो या कुछ ऐसे ही संसदीय क्षेत्रों का चुनाव हुआ हो जिसमें थोड़ा सा अभी जलवा कायम है, हिंदू मुसलमान नफरत का जो बाजार है वो थोड़ा अभी बिछल रही हो, तो हो सकता है, संभव है, कुछ भी हो सकता है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन बेसिक बात यह है कि जिस समय यह सर्वे हुआ होगा उस समय तालिबान का इशू नहीं था, अफगानिस्तान की सत्ता नहीं पलटी हुई थी, हालांकि चोरी छिपे हमारे लोग जा करके वहां पे तालिबान के लोगों से मिल रहे थे, समझौते कर रहे थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, और अभी जो बताया ना कि किस तरह से 200 लोगों को निकाल के लाना पड़ा, कितनी मजबूरी में उनके हाल क्या थे, और जो टाइम्स ऑफ इंडिया का भोंपू है, जो इसको HMB बोलते हैं, हेज मास्टर्स वायस बोलते हैं, तो उसने जिस ढंग से रिपोर्टिंग किया था, ये तो सारे मीडिया का ही हाल यही है, इसलिए उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर सकते हम। अब बात यही है कि जिस तरह से अभी मान लीजिए इवेंट की बात हो रही, लाल किले के प्राचीर से मुझे लगा था ऐसा कि प्रधानमंत्री कोई ना कोई ऐसी घोषणा करेंगे, जैसे कोविड से जो प्रभावित लोग रहे, कोरोना से जो महामारी के चपेट में आकर के जिन्होंने दम तोड़ा, जो बच्चे अनाथ हो गए, जो महिलाएं विधवा हो गई, जिनके परिवार टूट गए बिखर गए, उनके लिए कोई घोषणा करेंगे वो, बेरोजगारों की जो बहुत लंबी कतार लगातार खड़ी होती जा रही है, वो लोगों की जो रोजगार दफ्तरों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उसमें वो भी लोग शामिल हो गए हैं जो पूरे कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं। हमारे मीडिया के ही लोग, हजारों लोग तो मीडिया से ही बेरोजगार हो गए हैं, अखबार बंद हो गए, विज्ञापन आना बंद हो गया, वेतन में कटौती हो गई, ये सारे लोग हैं, तो इनके ऊपर कोई ना कोई वो चर्चा करेंगे, महंगाई की चर्चा करेंगे जरूर, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं, मुझे तो बहुत घिन छूटती है जब मैं सुनता हूँ 2013 का उनका भाषण, 2014 का उनका भाषण, और ये महंगाई को लेकर के, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर के, और कहते थे कि साहब इस सरकार को सत्ता में बने रहने का एक क्षण भी मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सरकार की विफलता है। उस समय 60-70 रुपए के आसपास पेट्रोल का दाम रहा होगा, आज 110-112 रुपए लीटर भी राजस्थान के किसी जिले में, जैसलमेर या बाड़मेर या श्रीगंगानगर में बिक रहा होगा, बाकी हमारी दिल्ली में ही 102 रुपए के आसपास बिक रहा है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम इतने बढ़ गए हैं, और किसी कहीं कहीं बता रहे हैं लोग कि कुछ वो प्राइवेट कंपनियों को
ठेका दे दिया है कि साहब वो रिचार्ज नहीं करेंगे, रिचार्ज नहीं हुआ तो आप बिजली तुरंत गायब हो जाएगी। तो ये सारी बातों को लेकर के जिस ढंग से लोगों की नाराजगी बढ़ी है उसमें हमको नहीं लगता कि ये 24% का भी आंकड़ा सही हो सकता है। और दूसरा यह है कि चिंता की बात इन लोगों के लिए भी हो रही है कि चलो योगी आदित्यनाथ का 1-2% बढ़ा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि योगी पहले 3% पर थे अगस्त 2020 में, तो जनवरी में उनका हो गया था 10% और अगस्त 2021 में हो गया है 11%। लेकिन राहुल गांधी का जो था 8% से 2% बढ़कर के 10% हो गया। ये चिंता वाली इन लोगों के लिए बात हो सकती है, क्योंकि जिसको आप लगातार पप्पू चप्पू क्या क्या सब बोलते जाते हैं करते जाते हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। हमको लग रहा है कि ये ग्राफ और ज्यादा बढ़ा होगा, ये दबाव कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा कि भाई इसको ज्यादा मत दिखाना या ये मत करना। ये लोग कभी कई बार कर चुके हैं, पहले भी ये लोग करते रहे हैं कि जो ओपिनियन पोल आता रहा है और उसमें से घाल मेल करके कि भाई किसको ज्यादा दिखा देना है किसको कम कर देना है, तो इसलिए उस पर कोई बहुत ये नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात उसके साथ जैसे आपने जोड़ा अब जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में, बहुत आपने अच्छा कहा, जो इंदौर में हमारे महाराज महाराजा धीराज नकाका जो भी है वो उन्होंने जो कहा है कि साहब हवाई चप्पल वालों के लिए विमान यात्रा सुनिश्चित कराई जाएगी या सुविधाजनक बनाई जाएगी। अब उनकी निगाह में जो हवाई चप्पल वाले होंगे जो 5-स्टार होटलों में कभी कभी टहलते हुए कुछ स्लीपर्स पहन लेते होंगे, या नरेंद्र मोदी जैसा कोई गरीब होगा, या उन्हीं के लोगों के जैसे कुछ लोग होंगे जिनकी बात वो कर रहे होंगे, क्योंकि अभी 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 4-5 दिन मैंने इस महाराजा के मंत्री बनने के बाद विमान भाड़े में वृद्धि कर दी गई, ATF का दाम बढ़ा, विमान भाड़े में अभी वृद्धि कर दी, बल्कि उस पर हमने ट्वीट किया था कि लगता है कि जो हवाई चप्पल वाले हैं उनके दिन फिर गए हैं। मतलब कोरोना काल में मोदी जी ने ऐसा कुछ कर दिया है हवाई चप्पल वालों के लिए जो उनकी हैसियत हो गई है कि अब वो विमान भाड़ा बढ़ा करके भी देंगे तो भी उस पर विमान यात्रा कर सकेंगे। मतलब मजाक मत बनाइए, आप अगर किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना तो आप उसका मजाक मत बनाइए। ये सरकार उनका मजाक बना रही है, जिनकी लाशें जलाने का भी जिनको नहीं मिल पाया, जो अपने प्रियजनों की लाशों को सम्मान नहीं दे पाए लोग, जिनकी लाशें नदियों में तैर रही थी, नदी किनारे जो रेत में दबाई गई थी लाशें, उनके जख्मों पे आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का मजाक कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को लेकर के नाराजगी का भाव है। और जिस तरह से आपने बंगाल के चुनाव में देखा, जो सारा लाव लश्कर सब कुछ लगने के बावजूद आप मुंह की खाकर लौट करके आए, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार के प्रति नाराजगी बहुत तेजी से बढ़ी है। और हमको लगता हो सकता है कि योगी जी का इनके मुकाबले थोड़ा और बढ़ा होगा ग्राफ, लेकिन अब देखने वाली बात है क्या कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी जितनी बुरी हालत है सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी हालत खराब है, अब भाजपा के लोगों का जो जन आशीर्वाद या जो भी कहिएगा, अभी मैं देख रहा था कि सनी देओल गए थे किसी गुरुद्वारे में, अब पता लगा वहां के लोगों ने धक्का दे दे करके उनको बाहर कर दिया गुरुद्वारे से, कहा कि आ जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। ये हालत हो गई है भाजपा के लोगों की, मतलब अपने इलाके में ठीक से घूम नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं लोग, ये हो गई है। किसान आंदोलन जो है पंजाब का हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का भी, जो गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे जो आकर के टिके हुए किसान, तो इनके बीच में जिस ढंग का माहौल बन रहा है, वहां जाइए जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के कुछ निकालिए तो आपको समझ में आएगा आटे दाल का भाव, सरसों के तेल का भाव लोग सवाल करना शुरू करेंगे। इस तरह आप देखिए अगर ना, तो एक नाराजगी का भाव बहुत तेजी से बढ़ा है। अब वो कितना आपके इनके सर्वे में या ओपिनियन पोल में जो भी लोग करते हैं उसमें कितना मुखर होकर आता है नहीं आता है एक अलग बात है, लेकिन हमको लग रहा है कि इसकी बानगी इनको जरूर 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे जाएगी। 5 राज्यों में चुनाव है, 5ों में से अब देखने वाली बात यही होगी कि किस राज्य में इनका कैसा चलता है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जनता इस देश में शांतिपूर्ण ढंग से काम करती है। 77 में जब बदलाव हो रहा था तो इंदिरा जी को ये नहीं मालूम था कि वो उनका बेटा खुद भी चुनाव हार जाएंगे या पूरी हिंदी पट्टी से सारे का सारा गायब हो जाएगा। उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी कहा था कि नहीं आप बहुत थंपिंग मेजोरिटी जीत करके आएंगी अगर मार्च में चुनाव होगा तो वही हालत अभी है, अभी इनको लग रहा है। अच्छा आप देखिए जिस तरह से लाल किले पे भाषण दे रहे थे, 1.5 घंटे से ऊपर का भाषण, लगभग 80-90 मिनट का जो भाषण था, पूरा थकाऊ उबाऊ लग रहा था कि मतलब उसमें कहीं वो ओज नहीं है जो एक ओज होता था उनके भाषणों में। आमतौर पर भाषण वीर तो है ही वो, उनके बारे में ये तो है कि बाकी कुछ करें ना करें लेकिन भाषण वीर है, भाषण देने में उनके उनकी उनके मुकाबले अभी
न उनकी पार्टी में कोई दिखाई देता है, न विपक्ष में कोई उस ढंग का आदमी दिखाई देता है जो इतनी लंबी फेंक सके कि साहब वो क्या मातंगिनी जो वहां की हैं बंगाल की मातंगिनी हाजरा को यदि असम की बता दें, तो ये उन्होंने इस बार लाल किले से किया। उसके पहले भी वो करते रहे हैं, तक्षशिला को पाकिस्तान से ला करके बिहार का बता लिया था उन्होंने, वो सब तो करते रहते हैं। लेकिन हमको एक सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चूंकि लंबा फेंकना ही है तो अब वो तो वो फेंक दिया है ना उस लड़के ने, नीरज चोपड़ा ने, तो अब उससे उसका रिकॉर्ड तो टूटना चाहिए। अब इस बार इन्होंने लाल किले से साथ 100,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। भैया हम तो आज तक अभी हम गिनने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जीरो जीरो लगा करके, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि 100,00,000 करोड़ रुपए में कितने जीरो लगेंगे। अच्छा, इतने लाख करोड़ मतलब जैसे फेंक चुके हैं ना, एक बार 20,00,000 करोड़ का फेंका था कि 20,00,000 करोड़ का पैकेज हमने मंजूर किया है। भाई 20,00,000 करोड़ रुपए अगर ईमानदारी से खर्च हो गए होते तो 100,00,000 करोड़ की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके पहले बिहार में कभी कहा कि इतने लाख का दे दूं कि कितने का दे दूं, 2,00,000 का दे दूं, क्या कर दूं, वो पैकेज घोषित कर दिया। कश्मीर में जाकर के 1,00,000 करोड़ से नीचे की बात नहीं होती हमारे प्रधानमंत्री में। तो लोगों को अब उनके जुमलों का सच सामने आने लगा है, लोग अब पहचानने लग गए हैं, इसलिए उनका ग्राफ गिर रहा है। अब अभी भी वक्त है, अभी 2024 में समय है, उस समय को देखते हुए अगर ये चाहें तो बेरोजगारी पर कुछ लगाम लगाएं, बेरोजगारी बेरोजगारों को काम दें या बेरोजगारी का भत्ता दें, जैसे हम लोग बहुत पहले अनुराग चतुर्वेदी हम लोग मिलकर के नारा लगाते रहते थे कि बेकारों को काम दो या बेरोजगारी का भत्ता दो, बेकारी का भत्ता दो। तो इस तरह का कुछ हमको लगा था कि शायद लाल किले के प्राचीर से कुछ प्रधानमंत्री इस तरह की कोई घोषणा कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं। महंगाई बेलगाम बढ़ी चली जा रही है और उस पर कहीं कोई मतलब कहीं से भी लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार उसके बारे में सोच भी रही है या चिंतित भी है। अब तालिबान को लेकर के आपकी पॉलिसी क्या है, अभी तक सरकार ने कुछ कहा नहीं। विदेश नीति के मामले में इतनी बुरी हालत हो गई है, जहालत हो गई है कि आप देखिए, पाकिस्तान आपके खिलाफ है, चीन आपके खिलाफ है, भाई है, श्रीलंका पर भी चीन का दबाव बढ़ गया है, अफगानिस्तान में जो तालिबान आए हैं वो चीन, रूस और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर के उसका साथ दिया है, तीनों उसके साथ खड़े हो गए हैं। तो आज आप कहाँ हैं? आप अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं और तालिबान से अंदर अंदर दोस्ती भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो साथ वही एक होना चाहिए ना, तो उसमें कहीं आपका कुछ दिख नहीं रहा। आने वाले दिनों में और बुरी हालत हो जाएगी अगर आपने कोई एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं बनाई तो, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आप अमेरिका के पिट्ठू ही माने जाते हैं। उसके हिसाब से जिस ढंग से अमेरिका छोड़ छाड़ के भाग गया सबको उसके दी में डाल करके, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जनता की जो नाराजगी है ये और बढ़ेगी, और अगर सारे राज्यों में सभी संसदीय क्षेत्रों में अगर इस तरह का सर्वेक्षण कराया जाएगा तो 10-12% से आगे हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का ग्राफ नहीं उठने वाला है, मेरा ये कहना है। जी 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 बिल्कुल। अभी 19 राज्यों में ये 19 राज्यों के लगभग 325 या 375 ज़िले हैं शायद, वहाँ ये करवाया गया है ये सर्वे। लेकिन बाकी जो बचे हुए 10 राज्य हैं वो कौन से राज्य हैं, क्या उनमें से कुछ ऐसे राज्य हैं जो केंद्र भाजपा शासित नहीं है, यानी कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है या दूसरी सरकारें हैं, ये सब भी समझना होगा। खैर, बातें बहुत हैं और सर्वे जो होते हैं और खासकर लोकप्रियता वाले जो सर्वे होते हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तब लग जाते हैं जबकि एक आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो डाउट लोकप्रिय हैं, अभी वो जनता के बीच हैं और उनको कौन नहीं जानता है। तो लोकप्रियता एक वैसी है, एक मतलब जानना, दूसरा प्रिय होना, लोक का प्रिय होना, जनता का प्रिय होना, प्रिय नेता बनना। क्या आज की तारीख में जनप्रिय लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और साथ साथ जो नए मंत्रिमंडल के विस्तार में जो नए मंत्री आए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में, वो इस वक्त 16 तारीख से 22 तारीख तक जन आशीर्वाद लेने के लिए बाहर निकले हैं और इस जन आशीर्वाद के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की जो गिरावट है उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उनके जनाधार को बढ़ाने और उनको और लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं।